नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा और आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। खबर गाजीपुर से है, जहां इस मौसम का आज सबसे सर्द दिन है और जनपद में सुबह के 6 बजे तापमान करीब 9 डिग्री था। इस भीषण ठंड में बेसिक शिक्षा अधिकारी श्रवण कुमार गुप्ता की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। जनपद के सरकारी कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के सभी विद्यालय आज इस कड़कड़ाती ठंड में भी खुले रहे। आज 26 दिसंबर है, पर 26 दिसंबर के दोपहर करीब 12 बजे BSE का एक आदेश स्कूलों को पहुंचता है कि 26 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर तक कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के जनपद के सभी बोर्ड के विद्यालय ठंडी की वजह से बंद रहेंगे, जबकि विद्यालयों का समय 10 बजे का है और विद्यालयों 10 बजे ही बच्चे अपने स्कूलों में पहुंच गए थे। हमने BSE कार्यालय के ठीक बगल के प्राथमिक विद्यालय का रियलिटी चेक भी किया, जहां कक्षा 1 से 8वीं कक्षा तक के बच्चे इस हाड़ कंपाती ठंड में उपस्थित मिले। हां, तब तक BSE आदेश स्कूलों में पहुंच गया था और स्कूल के प्रिंसिपल बच्चों को घर भेज रही थी, पर उन्होंने कैमरे पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि 26 दिसंबर को ही दोपहर के 12 बजे 26 दिसंबर से 29 दिसंबर तक स्कूलों के बंद किए जाने का आदेश BSE द्वारा जारी किया गया, जबकि नियमानुसार ये आदेश 25 दिसंबर को जारी किया जाना चाहिए था। इस मामले में DM ओम प्रकाश राय से जब बात की गई तो उनका जवाब भी बेहद गैर जिम्मेदाराना रहा और उनका कहना था कि कल आदेश नहीं जा पाया था, इसलिए आज किया है। सुनिए। क्या नाम है बेटा? साहिल। आज क्या तारीख है, याद है आपको? 26। आज स्कूल खुला था? जी सर। तो अभी आप वापस जा रहे हैं? सर, इंटरवल 12 बजे ले ऑर्डर आया है, इस हम लोग को मालूम नहीं था। किस चीज का ऑर्डर आया है? छुट्टी का। क्या नाम है बेटा? प्रीति। आज क्या तारीख है? आज तारीख 26। क्या 26? दिसंबर। आज स्कूल खुला हुआ है? आज छुट्टी था तो भी आए हम लोग। क्यों, एक्स्ट्रा क्लास चल रही थी? अरे तुम बोल। तक सर स्कूल कॉलेज बंद है, अब देखा जा रहा है कि सब खुले हुए हैं नतीस पे आज, क्योंकि वो कल आदेश नहीं जा पाया था, आज अभी गया है तो विद्यालय पूरी तरह से बंद रहे।